इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आखिर साजिश क्या रची जा रही है कि कोर्ट के माध्यम से जजमेंट कराओ ताकि कोर्ट के खिलाफ फिर कोई बोल ना पाए। मुझे लगता है न्याय की लड़ाई के लिए बोलना पड़ेगा। अगर जेल में जाना हो तो जाना पड़ेगा, क्योंकि खेत की जमीन हमारे पास नहीं है, उद्योग धंधों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, खेत की जमीन क्या कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा होता है? क्या नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा होता है? अभी आप देखिए, प्रोफेसर की पोस्ट पे 98% जनरल कैटेगरी के लोग हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे 96% जनरल कैटेगरी के लोग हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे 67% के आसपास जनरल कैटेगरी के लोग हैं। हमारे लोग बड़े मुश्किल से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 4000 साल की गुलामी से एक लंबे संघर्ष के बाद हमें आजादी दिलाई। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के आधार पे ये जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिला था, इस रिप्रेजेंटेशन को भी धीरे धीरे ये कोर्ट के माध्यम से खत्म करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इंडियन जुडिशियल सर्विस का एग्जाम होना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी इंडियन जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम को पास करके जाएं। जो लोग एग्जाम पास नहीं करते सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बना दिए जाते हैं, और वहां जाने के बाद वो लोग नागपुर से जो एजेंडा तैयार होता है आरएसएस के माध्यम से उस एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, वो बाबा साहेब के बनाए संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, वो लोग मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, हमें दोबारा से गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग, देश के लोग अब दोबारा गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, और इस मुद्दे पे 200 पॉइंट रोस्टर दोबारा से बहाल होना ही चाहिए। अभी जो वैकेंसी निकलने वाली है, अभी निकाल दी जजमेंट आते ही, उसमें जनरल वैकेंसी है सारी, कोई एससी को नहीं, कोई एसटी को नहीं, कोई ओबीसी को नहीं। हमारे एससी एसटी ओबीसी को पूरी तरीके से खत्म कर देने की साजिश है, और इस साजिश के खिलाफ हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। इस युद्ध में पूरी आम आदमी पार्टी आपके साथ है। कुछ ही समय में द्वारका से चल के मनोज सिसोदिया जी भी अभी मंच पे आने वाले हैं। हम इस मुहिम का समर्थन करते हैं, इस आंदोलन के साथ हैं। संसद के अंदर, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी हमारे सांसद इस मुद्दे को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। बहुत सारे वक्ता है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।